अज अमृतसर पुलिस कमिश्नरेट वालों एक नवा इनिशिएटिव लिया गया जिदे विच की शक्ति टीम्स की गल हो रही है। शक्ति टीम्स हर एक थाने विच पहले दिन तो असी घट्टो घट एक शक्ति टीम रखांगे। भी थाने पुलिस स्टेशन साड़ी ज्यूरिसडिक्शन दे विच अमृतसर सिटी पुलिस की ज्यूरिसडिक्शन दे विच है, इस करके भी शक्ति टीम्स का उपराला किया जा रहा है। हुणे सवाल यह उठता है कि शक्ति टीम का काम की है। शक्ति टीम्स बेसिकली एक साइकोलॉजिकल दबाव बनाने वास्ते माड़े अंसर के उपर जिहड़े कि ईव टीजिंग या क्राइम अगेंस्ट वुमेन नू कमिट करते हैं, उहो जे अंसरों के खिलाफ ये शक्ति टीम्स का गठन किया गया। ये पब्लिक प्लेसिस ते पब्लिक ट्रांसपोर्ट दे विच अलग अलग थावां ते जिथे भी ईव टीजिंग होने का खदशा रहिंदा है, गर्ल्स कॉलेजेस दे बाहर या स्कूल्स दे बाहर चौरस्तियां ते जिथों सानू हुण तक कई कंप्लेंट्स आई हैं जिदे विच कि वुमेन हरासमेंट का जिक्र हुंदा है, ओहो जे हॉटस्पॉट्स नू फिगर आउट करके हर एक थाने दे विच पहले दिन तो असी घट्टो घट एक शक्ति टीम रखांगे। भी थाने पुलिस स्टेशन साड़ी ज्यूरिसडिक्शन दे विच अमृतसर सिटी पुलिस की ज्यूरिसडिक्शन दे विच है, इस करके भी शक्ति टीम्स का उपराला किया जा रहा है। हुणे सवाल यह उठता है कि शक्ति टीम का काम की है। शक्ति टीम्स बेसिकली एक साइकोलॉजिकल दबाव बनाने वास्ते माड़े अंसर के उपर जिहड़े कि ईव टीजिंग या क्राइम अगेंस्ट वुमेन नू कमिट करते हैं, उहो जे अंसरां दे खिलाफ ये शक्ति टीम्स का गठन किया गया। ये पब्लिक प्लेसिस ते पब्लिक ट्रांसपोर्ट दे विच अलग अलग थावां ते जिथे भी ईव टीजिंग होने का खदशा रहिंदा है, गर्ल्स कॉलेजेस दे बाहर या स्कूल्स दे बाहर चौरस्तियां ते जिथों सानू हुण तक कई कंप्लेंट्स आई हैं जिदे विच कि वुमेन हरासमेंट का जिक्र हुंदा है, ओहो जे हॉटस्पॉट्स नू फिगर आउट करके हर एक थाने दे विच ये मोबाइल टीम्स होणगियां जिदे विच कि दो वुमेन पुलिस ऑफिसर ते एक मेल पुलिस ऑफिसर घट्टो घट होगा। इस तों इलावा इन्हां कोले स्पाई कैमरे वगैरह भी होणगे जिन्हां दे थ्रू जे कोई इस तरह की हरकत हुंदी है, जे कोई इस तरह का क्राइम हुंदा है उहदा एविडेंस भी कलैक्ट किया जाए। ये एक डिकॉय टीम होगी जिदे विच कि जिहड़ी शक्ति टीम है ये सिविल दे विच होणगियां, यूनिफॉर्म दे विच नहीं होणगियां, ताकि वो जिहड़ा माड़ा आंसर है जे किसी पब्लिक प्लेस दे उत्ते इस तरह की हरकत करता है तो उन्हों फड़िया जा सके। एविडेंस बेस्ड पुलिसिंग ये होगी जिथे ये जापूगा कि किसी तरह का क्रिमिनल केस बुक करना है तो क्रिमिनल केस भी बुक किया जाऊगा, जिथे लगेगा कि प्रिवेंटिव एक्शन लेना है या काउंसलिंग की लोड़ है उत्थे प्रिवेंटिव एक्शन या काउंसलिंग भी कंसर्नड इंडिविजुअल की कीती जाऊगी। इहदे विच उहदे घरदिआं नूं भी शामिल किया जाऊगा ताकि इस तरह की जो पब्लिक प्लेस दे विच न्यूसेंस मॉन्गर्स हैगे है उन्हां नूं
ठल पाई जा सके। इस तों इलावा विमेन सेफ्टी वास्ते साड़ी पूरी टीम बहुत ही चंगा उपराला कर रही है। इस विच सुडरविली जॉइंट सीपी वालों ते मनप्रीत एसीपी साइबर होरां वालों ते इन्हां दी सारी टीम वालों बहुत चंगे उपराले किए जा रहे हैं। मैं इस गल की बधाई भी देना चाहूँगा जिहड़ा क्राइम अगेंस्ट विमेन दे उपर इस तरह के इनिशिएटिव ले जा रहे हैं। ये अलग अलग थावां तों जिहड़े ट्राइड एंड टेस्टिड मॉडल है वो फॉलो किए जा रहे हैं। तकरीबन 70 तो 80 के आसपास विमेन सेफ्टी ऑफिसर्स का भी उपराला किया गया पूरे शहर के। हर एक विमेन सेफ्टी ऑफिसर नू शक्ति ऑफिसर भी कहा जाऊगा, जिस विच दो तो तीन या किसी थां ते जे क्लस्टर है तो पांच स्कूल जेडे कि गर्ल स्कूल या गर्ल कॉलेजेस होणगे उन्हां दी सुपरविजन उन्हां दी मोनीटरिंग कि किस तरीके नाल उत्थे माड़े अंसर जो बच्चियां नू तंग करदे आ ईव टीजिंग दे रिलेटेड या होर उन्हां एरियाज दे विच अवेयरनैस जनरेट करन वास्ते उन्हां स्कूलों ते कॉलेजेस दे विच भी अवेयरनैस जनरेट करन वास्ते ये विमेन सेफ्टी ऑफिसर या शक्ति ऑफिसर जिहड़े आ उह काम करनगे। इन्हां दी गिणती आने वाले टाइम दे विच होर भी वधाई जाऊगी। 100 तों 150 दा उपराला इस तरह के ऑफिसरस का असीं करांगे। इस तों इलावा असीं पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी जिहड़ी है उहदा जिहड़ा हैल्पलाइन नंबर है वह भी लॉन्च कर रहे हैं। ये मल्टीपर्पज़ नंबर होगा जिस विच जे कोई हरासमेंट का केस है वह भी पाया जा सकता है या पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी के रिगार्डिंग जे कोई क्वीरी है या पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी किसी नूं अर्जेंट बेसिस से चाहिए है, कोई शाम का वेला है या किसी लेडी नूं कोई इस तरह का खदशा लग रहा है, कोई सस्पीशन रेज हो रही है कि जिथे उन्हें किसी तरह का खतरा लग रहा है, तो इमीडिएटली वो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर 9781010091 ये मल्टीपर्पज़ नंबर है। ये असी देखांगे इनू होर इवॉल्व करांगे जे सानू लगूगा कि एक नंबर नाल ये नहीं ठीक हो रहा तो उहदे च असी स्पेसिफिक नंबर भी लॉन्च करांगे। फिलहाल 181 ते भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो वह भी दसी जा सकती है। सांझ दे जिहड़े ऑफिसरज है उन्हां वल्लों ये उपराला बड़ी शिद्दत नाल कीता गया। कम्यूनिटी दे नाल लोकल पब्लिक दे नाल लोकल यूथ दे नाल कम्यूनिटी एंगेजमेंट की जे आपां गल करिए तो सांझ दे ऑफिसरस बहुत चंगा उपराला कर रहे हैं। जिहड़े साडे सीनियर ऑफिसरस है जॉइंट सीपी मैम सुडरविली वल्लों ते एसीपी साइबर क्राइम मनप्रीत होरां वल्लों ते उन्हां दी सारी टीम वल्लों ये सारे उपराले किए जा रहे हैं। तो जिहड़ी 181 डेडिकेटेड हैल्पलाइन है विमेन दी उहनू यूटिलाइज़ किया जा सकता है। तो एक जिहड़ा मैं मल्टीपर्पज़ नंबर दा बयान किया है 9781010091 असीं इहनू मीडिया दे राही तुहाडे राही सोशल मीडिया दे राही भी इहनू पब्लिसाइज़ करांगे ता कि ये हर एक जरूरतमंद तक ये नंबर पहुँच सके। साड़ी रिक्वेस्ट है कि ये नंबर सारे अपने फोन दे विच सेव करके रखो, जदों भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है कोई इशू आता है तो इत्थे सानू इनफॉर्म कर सकते हो। जे सी पी मैम ये हमेशा तत्पर रहेंगे हर एक जिहड़ी कॉल या मैसेज है या किसी तरह का कोई वीडियो भेजा जाता है, कोई इस तरह की इनफॉर्मेशन दी जाती है कि फलानी थां ते इस तरह का क्राइम कमिट हो रहा है किसी माड़े अंसर वालों, उन्हों भी नोट किया जाऊगा, उन्हों रजिस्टर किया जाऊगा, उन्हों डॉक्यूमेंट किया जाऊगा, उसका फॉलोअप किया जाऊगा। हुण असी शक्ति टीम्स जिहड़ियां उन्हां नूं फ्लैग ऑफ करांगे।
कि आई एम श्योर कि जिहड़े लोकल ग्रुप्स हैगे है, लोकल जिहड़ियां जिहड़ियां बीबियां जिन्हां नूं ये लगता है कि वो शक्ति ऑफिसर दे नाल जुड़ना चाहुंदियां ते रल मिल के काम करना चाहुंदियां है, कम्यूनिटी नूं अवेयर करन दा उपराला करना चाहुंदियां है, तां वो जॉइंट सीपी सुडरविली होरां दे नाल एसीपी मनप्रीत होरां दे नाल संपर्क करन। उस तो बाद असीं ये सोचांगे, उस तो बाद असीं ये देखांगे कि किवें पूरी कम्यूनिटी नूं इनगेज करके हर एक मुहल्ले दे विच, हर एक थाने दे विच, वी थाने है, हर एक थाने दी ज्यूरिसडिक्शन दे विच इस तरह के उपराले किए जाण ताकि एक चंगा माहौल बीबियां वास्ते क्रिएट किया जा सके। मैं तुहाडा सारयां दा धन्नवाद करदा कि तुसीं अज आके पूरे इनिशिएटिव नूं एक नवी पद्धर ते लैके जा रहे हो। तो हुण असीं रिक्वेस्ट करते हाँ जिहड़ियां साडियां टीम्स है उन्हां नूं फ्लैग ऑफ करन दा, ते इस तों इलावा जे तुहाडे कोल कोई क्वेरी है दे रिगार्डिंग तां तुसीं ਉਹ ਕੁਇਰੀ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰ ਵਹੀਕਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਲੋਏ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲ ਵਹੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ? ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਕਿ ਦਾ ਫਿਊਲ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਲ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫਿਊਲ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਿਊਲ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ PCR ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ GPS ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ 40 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 4-wheelers ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, PCR ਵੈਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਿਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਡਿਕੋਏ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਵਾਲੇ ਆਫਿਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੌਕੰਨੇ ਰਹਿਣ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੀ ਜੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਈਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਗੇਂਸਟ ਵਿਮੈਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੈਪਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਈਵ ਟੀਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀ ਟੀਮਸ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਮੈਨ ਸੇਫਟੀ ਆਫਿਸਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਕਤੀ ਟੀਮਸ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਟੀਮਸ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਈਵ ਟੀਜ਼ਿੰਗ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਗੇਂਸਟ ਵਿਮੈਨ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਟਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਰਨਡ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਿਆ ਕੁਛ ਈਵ ਟੀਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਰ ਵਧੇ, ਕੁਛ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਈਆਂ ਜੀ? ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਈਵ ਟੀਜ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਬਟ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਨਰਿਪੋਰਟਡ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਰ ਨੰਬਰ 24/7 ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਰਹੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ 24/7 ਨੰਬਰ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਰੇਟ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰ 24/7 ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ,
जे आपां नूं किसे भी वेले इस तरह की जरूरत महसूस हुंदी है तां कोई भी महिला इस नंबर ते कॉन्टैक्ट कर सकती हैगी है। मैं ये जरूर कहूँगा कि आने वाले टाइम दे विच इहनूं स्ट्रीमलाइन करांगे, आने वाले टाइम च इहनूं होर स्ट्रीमलाइन करांगे। जिस तरह दियां आपां नूं ये लगेगा कि किस तरह दियां कॉल्स आ रही हैं, डिस्ट्रेस्ड कॉल्स आ रही हैं, किस तरह की जरूरत पै रही है, कित्थे जरूरत पै रही है, उस तरह गड्डियां नूं भी रीओरगनाइज़ किया जाऊगा, उस तरह कॉल्स वास्ते भी आपां अलग अलग ऑपरेटर्स रख सकते हैं, स्पेसिफिक नंबर भी आपां रख सकते हैं। इस चीज़ नूं इवॉल्व करन दी लोड़ है, तो इवॉल्व करके जिस तरह अगे इनू सोधिया जाऊगा उनू अगे लैके जाया जाऊगा।